हमीरपुर के ग्राम पंचायत अमरो के गांव चौकी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते आज दर्जनों ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का हल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव के लिए सड़क सुविधा मुहैया करवाई जाए, क्योंकि सड़क सुविधा न होने के कारण अक्सर ग्रामीणों को दिक्कतें पेश आती हैं। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर समस्या का हल करने की गुहार लगाई है, जिस पर डीसी हमीरपुर ने भी एक सप्ताह के भीतर समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। ग्रामवासी शशि कुमारी ने बताया कि गांव के लिए सड़क की समस्या बनी हुई है और गांव के लिए रास्ते नहीं है, जिस कारण बहुत समस्या सामने आती है। उन्होंने बताया कि पंचायत के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आज दुखी होकर डीसी हमीरपुर से समस्या को दूर करने की गुहार लगाई है। सर, समस्या सड़क की है, हमें तो भी सड़क नहीं है, लेकिन जो भी आम रास्ता आने जाने का है वो भी अभी मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। आज आ ही नहीं सकते लोग, बच्चे नहीं चल सकते, बूढ़े नहीं चल सकते, और मतलब बड़ी बुरी हालत है गांव की। गांव में रास्ते हैं ही नहीं आने जाने लायक कोई भी। पंचायत के पास क्या? पंचायत नहीं सुनती सर, पंचायत के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा टर्नओवर पूरा हो चुका है, अभी नेक्स्ट पंचायत करेगी, आप उप प्रधान के पास जाओ, आप बीडीओ के पास जाओ, बस उनका यही काम है कि बस कोई भी बात है वो आगे कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा जिद करें उनके आगे कि आप काम करो तो वो लोग बोलते हैं आ जाएगा पैसा, पैसा आ जाएगा, लगता है पैसा आया तो उसके बाद बोलते हैं पैसा वापस हो गया। बहुत परेशान हो चुके हैं सर, कोई भी मतलब है ही नहीं कोई भी रास्ता जिसमें से अच्छी तरह बच्चे बूढ़े जा सके। उन्होंने बोला कि 5-6 दिन के अंदर हम कार्रवाई करते हैं, और जैसे ही मतलब आता है आपके गाँव में कोई मतलब 5-6 दिन के अंदर निरीक्षण करने तो अच्छा है, अगर कोई नहीं आते तो आप लोग फिर से हमारे पास आइए, मतलब हमारा काम जल्दी से जल्दी करेंगे, डीसी साहब ने यही बोला है आज। महिला सुभद्रा ने बताया कि गांव के लिए रास्ता नहीं है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही करने के लिए दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने बताया कि बीमारी की हालत में अस्पताल तक पहुँचाने के लिए बहुत परेशानी होती है। उन्होंने मांग की है कि जल्द गाँव के लिए सड़क बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि पंचायत चुनावों में वोट मांगने से पहले पूरी तैयारी करके ही गांव में आए। हमारे जी मरो पंचायत से हम, और हमारी समस्या है कि जो पुली है वो पंचायत ने डाली है, और वैसे प्रॉपर हमने ऐसे में किया रास्ता बनाने के लिए थोड़ा भी, हाँ भी बच्चे बूढ़े निकले, उस पुली को बनी को 20 साल हो गए और वो कंडम हो गई, उसको 2-3 साल हो गए, इन्होंने नहीं बनाया वो रास्ता, और जो बच्चों बूढ़ों का रास्ता जाने का सड़क नहीं है, मगर गर्भवती महिला हमने नहीं ना जाए तो कहाँ नहीं है, अगर जेंट्स घर में नो लेडीज तो कैसे निकल जाएगी, हमें बहुत बड़ी समस्या है, हम खुद नहीं जा सकते हैं, कहीं बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बहुत समस्या पड़ जाती है कि हम किस तरह से हम जा सड़क के प्रॉपर नीचे कैसे पहुंचे, हम हमें बहुत बड़ी समस्या है। ऋषि साहब ने बोला कि 4-5 दिन के अंदर आपका हल हो जाएगा, अब देखते हैं होगा ना होगा, ये तो पता चल के चलेगा, अब आगे नहीं पता हमें क्या होगा, लेकिन हम आए हैं, बड़ी बहुत समस्या हमें, और ये हमारा समस्या हल होना चाहिए। गाँव में वोट मांगना नहीं आए वो पंचायत, क्योंकि पंचायत ने आज तक कोई भी काम नहीं किया, उस गांव चौकी है उसमें बहुत बड़ी समस्या है, सभी गांव को रास्ते हैं लेकिन चौकी को कोई रास्ता नहीं है, नहीं बनाया गया, कहते हैं प्रस्ताव डाल दिया अगली पंचायत करेगी, क्यों ये पंचायत नहीं कर सकती थी कुछ भी।